हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेल गाइस, इस वीडियो में सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करेंगे। आरआरसी ग्रुप डी सेंट्रल रेलवे मुंबई में क्या कट ऑफ हो सकता है? कंप्लीट डेटा है मेरे पास, यू नो, कंप्लीट डेटा, फुल एनालिसिस कर रखा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी अपने मन से बना रहे, लॉजिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है सेंट्रल रेलवे मुंबई का मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021। अभी तो 7 फेज वेटिंग में है। एनीवे, वो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए टेस्ट बुक पास को परचेज करो। इसमें लाइव क्लासेस दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। अप्लाई करो ये कूपन 5VAS3 के, जिससे तुम्हें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। वो भी हो जाएगा और ये भी हो ही जाएगा, राइट? यार, टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी तुम पता ही हो, 1,03,769 है। टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है, दैट इज 1.25 करोड़, इज अ ह्यूज नंबर। अटेंडेंस मुझे लगता है कि, और जैसे मैं 70% अटेंडेंस लेके चल रहा हूँ, तो 87,50,000 होता है, लेकिन मुझे लगता है 70% भी अटेंडेंस नहीं जाने वाला है। ये मैं मैक्स टू मैक्सिमम ले रहा हूँ ना, मैक्सिमम 70% अटेंडेंस होगा, राइट? उसके बेसिस पे मैं ये कट ऑफ बनाया हूँ, राइट? एग्ज़ाम पता ही है, TCS कराने वाले हैं, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे। जनरल साइंस 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स, रीजनिंग 30 मार्क्स की होगी, और जनरल अवेयरनेस इन करेंट अफेयर इज ऑफ 20 में। ये तो CBT 1 हो गया ना, और CBT 1 पे ही मेरिट बनेगी, लेकिन Stage 2 वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ क्वालिफाइंग ही नेचर है, लेकिन यहाँ पे भी पास करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ फिज़िकल एंड्योरेंस। मेल के लिए, बॉय के लिए क्या है यार, 35 kg उठाकर 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में, एंड शुड बी एबल टू 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ने में सक्षम होना चाहिए। गर्ल्स के लिए क्या है, 20 kg उठाकर 100 मीटर 2 मिनट में कंप्लीट करना है, एंड 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकेंड में भी कंप्लीट करने में सक्षम होना चाहिए। फिर Stage 3 इज़ अ मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, Stage 5 इज़ योर ज्वाइनिंग लेटर। चलो यार, ये सब तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन अब कट ऑफ पे थोड़ा बात करते हैं। कट ऑफ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकता है सेंट्रल रेलवे मुंबई का, राइट? यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ बंदों ने भरा हुआ है, बंदे या बंदियाँ दोनों मिल के, दैट इज 9,07,390 है। टोटल जो वैकेंसी है, दैट इज़ यहाँ पे अच्छा खासा है यार, 9,345 है, और एक सीट के लिए यहाँ पे 97 स्टूडेंट फाइट करने हैं, मतलब एक सीट के लिए 97 स्टूडेंट फाइट करने हैं। यार 97 तो तब फाइट करेंगे ना जब 100% अटेंडेंस होगी। अगर 70% भी अटेंडेंस रहा तो ये 96 लाइक 60 से 70 बच्चे के बीच में ही रह जाएगा। 60-70 बच्चों में एक सीट, इससे कम कंपटीशन कहाँ है, इससे कम कंपटीशन कहाँ है। बहुत एक अच्छा मौका है यार मुंबई जैसे जगह पे काम करने का। वाव, इजंट इट वाव, इट इज़ यार। मुझे लगता है जो कट ऑफ होगा CBT 1 का फॉर जनरल के लिए 65 to 68 रहने वाला है। आई मीन मिनिमम इतना रहेगा, मतलब इससे, मतलब मैक्स टू मैक्स जाएगा भी तो 70 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। अगर OBC की हम बात करें तो 60 to 63 कट ऑफ जाएगा। अगर SC की बात करें तो 57 to 60 नंबर आ जाते हैं तो तुम क्लियर कर सकते हो। ST की अगर हम बात करें तो 50 से 55 के बीच में जाएगा। और EWS की भी बात करें तो EWS और जनरल में कुछ खास फर्क नहीं होता है, तो EWS वाले भी इतना ही मान के चलो, 65 to 68 ही मान के चलो, है ना? तो मुझे लगता है ये
एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है सेंट्रल रेलवे मुंबई की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस के केसेस हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 70% अटेंडेंस मुझे लगता है कि ज़्यादा ही मेरे लिए है। अगर 70% अटेंडेंस अगर जाता है तो भी यार 60 से 70 बच्चों में एक सीट के लिए फाइट, इससे कम फाइट कहीं भी सेंट्रल रेलवे जॉब में तो कभी कहीं है ही नहीं। तो एक अच्छा मौका है यार। तो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वे। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो।